The students students, alaikum. Today we are having the 17th lecture of uh, Business Ethics. May I tell last lecture? We were into a long discussion for the last two lectures regarding the free market and uh, we discussed different doctrines. We uh, discussed Adam Smith, we discussed Lockean rights discuss and uh, we came with a lot of conclusions.

सस्ती चीजें आती हैं या दूसरे मालिक से हमें जो एक इन्विजन हुई है फॉर इकनमिक जो डब्ल्यू के बेनिफिट्स हैं उनको इन कैश कराने के लिए तो वी नीड प्रोटेक्शन और दूसरा स्कूल ये कहता था जी डोंट गिव दम प्रोटेक्शन आंटेल दे आर नॉट प्रोन टू सच थिंग्स एंड एक्सपोजर फॉर दिस थिंग लाइक एन इनफेंट जब तक ये नहीं, इन हालात में किस तरह सरवाइव करना है देर इज नो यूज ऑफ दिस के ऊपर ही सब्सिडीज के ऊपर ही जिंदा रहेंगे उसके सिलसिले में हमारा जो मेन मकसद था वो एथिक्स को डिस्कस करना था मार्केट और बिजनेस के एथिक्स को और मैंने अर्ज था कि उससे पहले कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे बहुत सारी थ्यूरीज हैं बहुत सारे फिलासफर्स की जो बेस बनाती हैं हमारी इस डिस्कशन का उसी को हमने बेसिकली इस लॉन्ग डिस्कशन ना हो लेकिन आज भी हम इसी बेस को ही पढ़ रहे हैं और फिर हम नेचरली विल बी एट ए कंक्लूजन और हम अपने एथिक्स को इसे रिलेट करेंगे हम लास्ट टाइम लॉकिन डाइस को डिस्कसने डिस्कस करने के बाद अगर याद हो आपको तो हमने एडम स्मिथ को पढ़ा था फादर ऑफ द न्यू बुक, वेल्थ ऑफ द नेशन विच इज अ मॉवल बुक और जो फंडामेंटल एक समझने के स्कूल ऑफ थॉट है हर एक उस शोबे के साथ जो इकोनॉमिक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है और नई थ्यूरी जितनी हैं, उनकी बेस वर्थ ऑफ नेशन से ही अखज की गई है वी हैड अदर डिस्कशन रिगार्डिंग दिस इंक्लूडेड But not limited uh, to different other people who were in criticism with such philosophers. Usme hamne ek cheez dekhi ki if some person he works for himself in benefit of himself, or it does mean that he's uh, doing the work for the benefit of the society. Instead, that he directly works for the society when he is working for his own benefits, he's giving more benefit to society. आज का लेक्चर वहीं से शुरू करना है उसी डिस्कशन से और हमने देखना है कि एडम स्मिथ का स्कूल ऑफ थॉट कहाँ तक हमें लेके जाता है फिर उसके क्रिटिसिज्म कहाँ पे आती है और दूसरी उसके साथ एक साहब हैं इज आल्सो वेरी फेमस नेम डेविड रिकार्डो उनका किस तरह से क्रिटिसिज्म में विदिबर्टी एंड फ्री एक इन सारी चीजों को हमने डिस्कस करना है आइए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं और फिर हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं किस तरह से मुख्तलिफ जो लोग हैं फिलोसफी हैं फिलोसफर है और जो स्कूल ऑफ थॉट को बनाने वाले हैं किस तरह से इन चीजों को जस्टिफाई करते हैं आज का लेक्चर अगेन हमने फ्री मार्केट और यूटिलिटी स्मिथ के से शुरू करना है सप्लाई एंड डिमांड अकोर्डिंग टू हिस्स व्यू विल हेल्प एलोकेट रिसोर्सिस किसी चीज की डिमांड को देखते हैं सप्लाई को देखते हैं तो, तो वहीं से हमें ये पता चल जाता है कि कितने रिसोर्सेस उसको चाहिए और वो रिसोर्स उसको मिल जाते हैं मसलन वो उसकी बड़ी सावधि सी मिसाल देता है कि फर्श किया एक कंट्री के अंदर आप एक चीज बना रहे हैं और बड़ी आपको वो चीप पड़ रही है यू आर प्रोड्यूसिंग दैट थिंग इन वन कंट्री एट एट ए वेरी चीप प्राइस तो आप जो है कुछ अरसे तक देखेंगे कि उसकी जो है प्राइस जो है एक खास हद तक जो है अगर वो कम है तो लोग उसको फिर बनाना बंद कर देते हैं और दे ट्राई टू मैनुफैक्चर समथिंग विच इज ऑफ गुड वैल्यू उससे जो ज्यादा कीमत की है उसको बनाना शुरू कर देते हैं जब उसको बनाना शुरू कर देते हैं तो जाहिर है वो चीज़ जो सस्ती है वो आहिस्ता आहिस्ता महंगी होनी शुरू हो जाती है और जो नई चीज आती है चूंकि उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा होती है और नई चीज हमेशा सप्लाई में कम होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है अब बात यह कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये जो नई चीज़ है ये कोई ए ए बी प्रोडक्ट है ये जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी सप्लाई मैनुफैक्चरिंग जो है वो ज्यादा शुरू हो जाएगी ये एक खास जगह पे जाके इसको लोग लेते जाएंगे और उस तरह से इसकी जब जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई ज्यादा होगी तो इसकी कीमत पर आता आता एक खास हाथ पे पहुंच के जो उसकी नेशनल वैल्यू है नेचनल वैल्यू क्या होती है जी किसी चीज की कॉस्ट प्लस एक मार्जिनल uh, सा सब्सटैंशल सा जो प्रलिंग प्रॉफिट होता है जैसे पाँच दस पंद्रह परसेंट बारह परसेंट एक जो हम नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी गिनते हैं उसके साथ अगर हम उसकी जो कॉस्ट है जो हम लागत जिसको कहते हैं अगर उसको हम जमा कर लें तो ये नेचुरल प्राइस बन जाएगी हती के चीज़ अपने नेचुरल प्राइस पे आ जाती है जब नेचुरल प्राइस पे आई है।, है तो वो चीज़ जो पहले से जिसकी बोतात थी और जिसकी कीमत कम थी उनको चूंकि लोगों ने बनाना बंद कर दिया था उसकी कीमत सरसे में बढ़ जाती है तो फिर लोग उसको बनाना शुरू कर दें और जो मतलब उसको हम ए कह सकते हैं दूसरी चीज को हम बी कह सकते हैं प्रोडक्ट को तो प्रोडक्ट ए को फिर बनाना शुरू कर देंगे और प्रोडक्ट बी की जो प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आने शुरू हो जाएगी और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि, कि प्रोडक्ट ए की कीमत फिर बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है और प्रोडक्ट बी जो है उसकी कीमत कम हो जाएगी बिकॉज उसकी सप्लाई बढ़ गई है आहिस्ता आहिस्ता ये जो है सिस्टम ये एक दूसरे को जो है वो इंटरसपोर्ट करता रहता है इकतियात में ये इंटरस्पोर्टिव बिहेवियर ऑफ प्राइसिंग जो है इट गिव राइज टू अचुरल प्राइस इसीलिए जब हम बात करते हैं यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं कंज्यूमर फ्रेंड्स की क्यों हम ये बात डिस्कस करते हैं कि जी जो प्राइस एक कंज्यूमर को चाहिए वो उसको मिल जाएगी इसलिए कि नेचुरल प्राइस पे हर चीज ने आ जाना है यूटिलिटी प्रिंसिपल के थ्रू ये हमने एक मिसाल के डिस्कस की है ये बेसिकली एक बेसिक रूल है एक बेसिक फिलोसफी है जो एडम स्मिथ हमें देता है रिगार्डिंग यूटिलिटी और फ्री मार्केट के लिहाज से अब अगर हम दूसरी मिसाल देखते हैं प्रोड्यूसर्स जो हैं इन कंट्री अगर आप देखें तो नॉर्मली दे ऑल एक्ट लाइक दैट कि जी एक चीज जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है एक चीज जो बड़ी सप्लाई में है आप जैसे मैंने गुजारिश की कि हमने uh, एक लेक्चर में थोड़ी सी मिसाल भी डिस्कस की थी लेकिन यही होता है कि जब हम अपने यहाँ पाकिस्तान में देखें कि जब हम देखते हैं कि जी टेक्सटाइल में कपास की कीमत बढ़ गई है तो कपास की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है स्पेशली साउथ पंजाब में और वहां पे जो गन्ना वगैरह है उसकी काश नहीं होती फिर जब कपास की बहुतात हो जाती है तो फिर जो गन्ने की कीमत है वो बढ़ जाती है क्योंकि गन्ना गन्ना बहुत कम वहाँ पर पैदा होता है इस अरसे में फिर लोग कहते हैं जी कि, कि कपास की कीमत तो गिर गई तो गन्ने को लगाना शुरू करें वो गन्ने की काश्त ज्यादा करते हैं और इस अरसे में जो गन्ने की कीमत है वह चढ़ जाती है लेकिन आता आहिस्त जो गन्ने की कीमत जो है या गन्ने की पैदावार खास हाथ से ज्यादा हो जाती है तो फिर इस अरसे में जो आपने कपास छोड़ के गन्ना लगाना शुरू किया होता है और कपास तो तो की की कीमत बढ़ जाती है लेकिन एक सतह ऐसी आती है जहां पर दोनों अपनी नेचुरल प्राइस पर पहुंच जाएंगी यानी बेसिक कॉस्ट प्लस अनोमल मार्जिन जो मार्केट के लिहाज से सूट करता है तो ये एक बेसिकली एक यूटिलिटी प्रिंसिपल है जिसको एडम स्मिथ सपोर्ट करता है और ये डिमांड एफ सप्लाई का जो एक सिलसिला इस इस है इंटरस्पोर्टिव उसको सपोर्ट किया है खुद एडम स्मिथ ने अपने यूटिलिटी स्कूल में बिकॉज मैंने पहले से कहा था कि इसका जो बेसिक फलसफा है वो इस सिस्टम इस में फ्री मार्केट में यूटलिटेरियंस का है कि जिस चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा है लोगों का फ़ायदा जिसमें ज़्यादा है उसको करने में ही ज्यादा जो है फ़ायदा है और उसको जो है प्रफरेंस देनी चाहिए सप्लाई कमोडिटी इज ग्रेटर क्वानिटी डिमांड इट्स प्राइस फॉल्स इंक्लूडिंग टू स्विच देयर रिसोर्सिस प्रोडक्शन ऑफ अदर्स मोर प्रोफिटेबल कमोडिटीज बिल्कुल इसी तरह जब फिर आप बहुत एक चीज को बनाना शुरू कर देते हैं तो फिर उसकी डिमांड कम हो जाती है और फिर लोग जो है वह दूसरी जगह दूसरे इलाकों में दूसरे प्रोडक्ट के अंदर अपने रिसोर्स जो है उनको इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल इसी तरह एक वक्त में पाकिस्तान में दुनिया में अब देखें हम वी की बात करते हैं वी इतना ज़्यादा इट वॉज अड टू बी क्वाइट कॉस्टली थिंग और उसको लोग बड़े शौक से खरीदते थे लेकिन फिर तो उसकी इतनी ज्यादा जो है प्रोडक्शन बढ़ गई इर्द गिर्द के मालिक से सस्ते वी सी आर मिलने शुरू हो गए कि पीपल दे स्विच ओवर टू तो दार्केट डी वी डी दी की मार्केट के अंदर एम के मार्केट के अंदर मल्टीमीडिया के और जो चीजें उनकी मार्केट के अंदर लोग शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं ताकि मार्जिन जो हैं उनमें ज्यादा होते हैं तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसको एडम स्मिथ ने बहुत पहले से ही इंडिकेट कर दिया था फिर हम जब बात करते हैं मार्केट इन शॉर्ट एलोकेट रिसोर्सिस एज टू मोस्ट एफिशेंटली मीट कंज्यूमर डिमांड दे आर प्रमोटिंग सोशल यूटिलिटी मार्केट अपने जो रिसोर्सेज है वो फिटेस्ट के लिए एलोकेट करती है मार्केट

तो समय खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर नेचुरल आया है और एक ख़ास इलाके में फंस गया कोई टेंट्स हैं या कोई और चीज़ है और उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है और बेतहाशा बढ़ गई है न मार्केट उसको बड़ी एफिशिएंटली कैटर करती है अपने रिसोर्स को कन्वर्ज करके ऑन डेट पर्टिकुलर डिमांड और एक वक्त आता है कि फिर वह डिमांड जो है वह पूरी हो जाती है और उसकी जो कीमत है वह एक नेचुरल लेवल पर आ जाती है शुरू में मे बी सिकरिटी जो सप्लाई है उससे प्राइस इंक्रीज हो जाए बट इट्स नॉट ट्रेंड फॉर एवर इसलिए डिमांड एंड सप्लाई को एक नेचुरल जो हाथ है वो जो है कंट्रोल uh, करता है द बेस्ट थिंग फॉर गवर्नमेंट टू डू इज नथिंग द मार्केट ऑन इट्स ओन विल एडवांस द पब्लिक वेलफेयर गिविंग पीपल दे वांट फॉर द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट उसमें एक स्टेप आगे जाता है एडम स्मिथ और वह कहता है कि गवर्नमेंट्स का यह काम नहीं है कि वो प्राइस को कंट्रोल करें और प्राइस के लिए कवानीन बनाएं ऐसा निज़ाम नेचुरल है इंटरसपोर्टिव डिमांड्स सप्लाई का कि वह खुद प्राइसेस को उनकी नेचरल सतह के ऊपर लेके आ जा सकते हैं दूसरा देर इज नो वे कि चीजें अपनी नेचरल सतह के ऊपर ना आए जो हमने पिछली अपने लेक्चर के दौरान हमने डिमांड और सप्लाई का जो कानून पढ़ा है उसके तहत अब ये खुद देखते हैं कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिस चीज ने महंगा होना है वो अपने नेचुरल प्राइस के ऊपर कॉस्ट प्लस मार्जिन उसके ऊपर ना आए फॉर दैट यू डोंट नीड टू हैव स्पेशल पॉलिसी और इनफोर्स और उसके साथ जो एक मैकेनिज्म है जिसको हम शुरू में पढ़ा कि इनविजिबल हैंड का नाम दिया एडम स्मिथ ने वो खुद चीजों को उनकी कुदरती प्राइस के ऊपर ले आता है और ये एक विशेष सर्कल है और एक एक सिस्टम इसको कंट्रोल करता है They must have some agreement about what each individual owns and what each individual has to right to sell to others. Unless a society has a system of private property that allocates its resources to individuals, that society cannot have a free market system. Rather, they must have this agreement that they have to own it, which own वो उन्हीं की मलकियत रहेगा और जो वो सेल करते हैं दे कैन ईजीली सेल अगर किसी सोसाइटी के अंदर ओनरशिप राइट्स राइट की राइट ऑफ ओनरशिप की हिफाजत नहीं हो सकती और राइट ऑफ ओनरशिप को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो वो सोसाइटी जो है उसके अंदर जो है वो स्टेगनेंट हो जाएगी और तरक्की की जो शरह है वह रुक जाएगी जैसे अगर फर्ज किया कि शख्स ए ने एक प्रॉपर्टी बनाई उसने एक कुछ चीज़ ईजाद कर ली ओके आई मीन ही हैज डिवाइज समथिंग एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत उसने उसको जो है वो एलोकेट उसको हो गए ये उसकी अपनी मेहनत है उसकी अपनी इसमें जो है जो कावे शामिल है अगर आप उसके राइट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और वही चीजें 20, 50, 30, 100 हजार लाख आदमी उसको बनाना शुरू कर देंगे तो नेचुरली उस शख्स का जो राइट है वो प्रोटेक्ट नहीं होगा और उसको उससे जो बेनिफिट होना है वो खत्म हो जाएगा और इस तरह फिर सोसाइटी में इनोवेशन खत्म हो जाएगी जब आपके पास ये राइट right नहीं है कि आप अपनी इनोवेशन को अपनी मलकियत को अपनी जार शुदा चीज को महफूज रख सकें और उसका फायदा उठा सकें तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि लोगों के अंदर जो प्रोसेस ऑफ इनोवेशन है वो रुक जाता है जिदत का जिदत पसंद चीज़ों का बनाने का रिसर्च का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा इसलिए कि आप यह कहेंगे कि मुझे इससे फायदा कोई नहीं है वाई देन वी वोट फॉर इंडिविजुअलिज्म देन टोटेलेटेरियनिज्म इंडिविजुअलिज्म में लोगों को ये हमेशा से यह एहसास होता है कि जो चीज मैं बना रहा हूँ ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है और मुझे इसका फायदा होगा अगेंस्ट दैट टोटेलेटेरियनिज्म में या कैम्यिज्म में यह फायदा नहीं होता वहां पे उसको यह पता होता है कि यह चीज मैंने जो बनाई है इस पे मेरा हकूक मलकियत नहीं है आई डोंट ये स्टेट की चीज़ है और उसके बाद उसके अंदर जो मज़ीद काम करने की सलाहियत है फ्री मार्केट में जैसा होता है वो ख़त्म हो जाती है इसलिए पैटेंट लॉ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी लॉ और प्रॉपर्टी के दूसरे कमानी जो हर मुल्क में जैसे हमारे यहाँ है क्यों मुरवज किए गए हैं ताकि लोगों में आर एंड डी रिसर्च अपने आप की जो आपके असासा जात है आपकी जो मलकियत है आपका जो नाम है आपकी जो गुडविल है आपके जो कंट्रैक्ट्स हैं आपकी जो एक जिसको क्या कहते हैं मेहनत है उसको आपसे मुंसलिक रखा जाए ताकि यू कीप ऑन डूइंग दिस एक ऑन ए परपैचुअल बेसिस जबकि आपको एहसास होगा कि मुझे इसका सिला मिल रहा है फिर जी क्रिटिक्स स्मिथ एडम स्मिथ बींग वेरी वेरी सीनियर पर्सन अगेन ही फेस क्रिटिसिज्म और उसको भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म का सामना पड़ा जिसको हम आ, किस तरह से बताते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्मिथम दो वन सेलर कैन कंट्रोल द प्राइस गुड दो दिस मे है इंडस्ट्रीज कि है कि किसी भी जो फरोख्त करदा चीज चीज कर को फरोख करने वाला है फरोख्त है उसके ये हाथ में नहीं है कि प्राइस को कंट्रोल करें जैसे हमने मिसाल दी कि वो कहते हैं जी मैं इस चीज को महंगा रखूं, वो महंगा रख नहीं सकेगा इसलिए कि उस चीज की जब कीमत बढ़ेगी तो दूसरे लोग उस चीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे जब प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी कीमत उसको कम करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरे लोग उसको सस्ता बेचेंगे शायद किसी वक्त में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी मनोपली ऑफ इंडिविजल्स जो है वो नहीं थी मोनोपली ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं थी तो ये बात सच्ची हो आज क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जी अगर हम ये कहें कि जी कोई शख्स या कोई धारा अपनी प्राइस पे मोनोपलाइज कर सकता है जो कि एडम स्मिथ कहते हैं नहीं कर सकता तो क्रिटिक्स कहते हैं जी अभी ये कानून सही नहीं है बिकॉज सो मेनी कंपनीज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी उनकी मोनापलाइज है मोनोपली है दुनिया में या फिर पैटर्न उसमें आ जाते हैं कि आप के पास एक पेटेंट है और यू, आप उसको बना सकते हैं कुछ हर्स के लिए जैसे 17 साल या 18 साल मुद्दत होती है 22 साल भी होती है आपको इजाजत ही नहीं कि उसको बनाएं या फिर जैसे मैंने गुजारिश की हाईटेक इंडस्ट्रीज उनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी होती है कि और कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता बनाना और चीजों की मोनाफरी जो है वो हो जाती है सेकेंड जो उसमें लगा है क्रिटिक्स में यह है स्मिथ एज्यूम्स दैट मैनुफेक्चर विल पे फॉर ऑल द रिसोर्स यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट बट वन अ मैनुफेक्चर यूज इज वॉटर एंड प्लू सेट विदाउट क्लीनिंग इट फॉर एग्जाम्पल सम्स मस्ट पे टू डू इट एडमोस्फेयर यह कहता है कि जो चीज कोई मैनुफैक्चर बनाता है उसके सारे रिसोर्सिस पे करता है उसकी कास्ट उसकी लेबर की कास्ट उसको बनाता है इसलिए उसका राइट उसके ऊपर है राइट की जो जजमेंट है हक के मलकियत की जो जजमेंट है वो इस बात पे होती है कि उसने सारी उसके जो अखराजात है वो उस पे किए उसका रॉ मटेरियल उसका डिजाइन उसकी मैन्युफैक्चरिंग उसकी सेल उसकी क्वालिटी कंट्रोल उसकी प्रोडक्शन ये सारी चीजें गर्जे के उसने की अब उसका राइट यहां पे आ गया वो ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ अपने रिसोर्सेज के थ्रू यूज करता है लेकिन नई जो साइंस कहती है नए क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है वट अबाउट दैट वाटर जिसको वो प्रोडक्शन के दरमियान पोल्यूट करता है मे बी एक केमिकल फैक्ट्री है जो पानी के यूज कर रही है दे आर यूजिंग नेचुरल वाटर लेकिन जब उसको वो दरिया के अंदर फेंक रहे हैं तो इससे पोलूटेड वाटर जिससे बेशुमार और उसको क्लीन भी नहीं कर रहे तो वो फिर हुकूमत का काम हो जाता है कि वो उसको क्लीन करे तो इसका मतलब है कि कोई उसकी जगह पे खर्च कर रहा है या अगर हवा में उसकी चिमनियां है जो है फैक्ट्री की वो बेशुमार नॉक्स एमिशन उनकी है वो हो रही है यानी बेशुमार गैसेज जो है जो इंजोरीस है ओजोन लेअर के लिए उसको फेंक रही है तो क्या हम जो है ये कहेंगे कि, कि इसमें उसकी कॉस्ट शामिल है आई मेन फाइनली देर इज समी एल्स आई मेन दिस योर गवर्नमेंट और अदर पीपल हुट एंड हुई फॉर गेटिंग क्लीन दैट फोलूटेड एरिया इसलिए यूटिलिटी की यह बात कि ये सिर्फ अपने रिसोर्स से सारा खर्च करता है इट नो मोर अ वैलड थिंग दैटकिंग जो क्रिटिसिज्म है ऑन एडम स्मिथ आर्गूमेंट का जो नुक्ता है वो ये है एडम स्मिथ की थ्यूरी के ऊपर स्मिथ ह्यूमोटिवेटेड ओनली बाई ए नेचुरल सेल्फ इंटरेस्टेड डिस्पायर फॉल्स मेनी ह्यूमंस आर कंसर्न फॉर अदर्स एंड एक्ट टू हेल्प अदर्सिंग दियर ओन सेल्फ इंटरेस्ट ंग टू एडम स्मिथ इंसान जब काम करता है तो सबसे पहले उसके सामने जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हमने पहले भी देखा है कि अगर इंसान सिर्फ अपने अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ अगर इंसान सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है इसका मतलब है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है और उसके जाति इंटरेस्ट में भी जितना काम करेगा उतना ही इन वो सोसाइटी के वेलफेयर में काम कर रहा है यहां पर जो क्रिटिक्स कहते हैं वो कहते हैं जी इस तरह से पॉसिबल नहीं है सिर्फ दुनिया में वही लोग नहीं हैं जो अपने लिए काम करते हैं और बेहतरी पैदा होती है अपने नफे के लिए काम करती है स्मिथ तो यह कहता है कि आप अपनी पर्सल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अपने पर्सल फायदे के लिए सारे काम करते हैं क्रिटिक्स ये कहते हैं कि दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए काम नहीं करते देन दिस ए वट अबाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेश अगर एक आदमी अपने बेशुमार पैसे से एक हॉस्पिटल बनाता है और गरीबों का फ्री इलाज करता है या एक आदमी जो है इजाद एक कर देता है और इजाद से उस दवाई से हमने आपको अगर याद होगा तो इस केस के शुरू में एवर मैक्टन केस पढ़ा था जिसमें एक कंपनी ने एक दवाई बनाई और एक करोड़ अस्सी लाख लोगों की फ्री किसी पैसे लिए बगैर जान बचाई उन लोगों की योरिवर ब्लाइडनेस डिज के अंदर गिरफ्तार थे और मरने वाले थे तो क्या उस कंपनी ने मुआवजे के बगैर अगर एक, एक करोड़ अस्सी लाख लोगों में मुफ्त दवाई तकसीम की उसमें कोई ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी तो उसमें आती कोई नहीं है तो वाई द डेड दिस देन अगर एक शख्स जो है वो एक तलीमी इदारा बनाता है और उसमें कहते हैं मैं मुफ्त तलीम लोगों को दूंगा तो उसमें तो उसकी कोई प्रोफिटेबिलिटी नहीं है जब वह फ्री दे रहा है सब कुछ इसका मतलब यह है कि यहां पर आके ये ये बात है कि हर आदमी खालसतन अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ अपने जाती प्रोफिट के लिए जाति बेनिफिट के लिए सारा काम करता है ये भी एक सता पे आके गलत हो जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दुनिया में सारी जो बेशुमार काम कर रही हैं दे आर जस्ट यूजिंग फॉर जस्ट डूइंग दिस फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट अपने आप को या अल्लाह लिए वो वो काम कर रहे हैं या अपनी सेल्फ सेटिसफेक्शन के लिए या सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए या अपने जमीन को मुतमिन करेंगे उसमें पैसे का या रुपए का या हसूल जो है दौलत का वो उसका वजह कर रही है तो यहाँ पे ये क्रिटिसिजम बड़ी स्ट्रांग आती है स्ट एडम स्मिथ चौथा जो इसके ऊपर जो एतराज आता है मार्केट सिस्टम का एडम क्रिटिक्स uh, ये कहते हैं कि मेक ह्यूम से बेसिकली जब हम कहते हैं कि एडम स्मिथ ये कहता है कि जी जो मोटिवेशन है एक आदमी की टूवर्ड्स प्रॉफिट वो एक नेचुरल एक डिजायर है तो उससे सेल्फिशनेस पैदा हो जाती है यानी आप लोगों के बारे में कम सोचते हैं जब आप एक चीज को जब स्कैनिटी है और मार्केट के अंदर उसकी जरूरत है फर्ज किया उसकी वो मिसाल इस तरह से देते हैं, जनाब एक अद्वियात है और वो एक हाई प्रॉफिट के ऊपर एक कंपनी बना रही है और मार्केट में उनकी जो सिक्निटी डिमांड है यानी जो सप्लाई है बड़ी सिक्योरिटी है और डिमांड बड़ी हाई है फर्श किया कोई खुदा ना खास्ता कोई एपिडेमिक फैल गई और एकदम से जो है सप्लाई जो है वो बढ़ गई है और जाहिर है सप्लाई कम है और डिमांड उसकी बढ़ गई है उसकी प्राइस जो बढ़ जाएगी। तो ये उस बंदे का राइट है जो उसको बता रहा है कि वो उस प्रॉफिट को ले। लेकिन वहां ये कहते हैं है। कि ये अपना जाती फायदा है वफात परस्ती है और यह अपना जाहती फायदा है लोगों के लिए नुकसान का बायस है तो ये एक चौथी जो क्रिटिसिजम है जो एडम स्मिथ के हिस्से में आती है वो और इसको खासा जो एक स्कूल ऑफ है काफी सारे लोगों का वो सपोर्ट करता है इन चार को फिर एक हमें नाम आता है जिसका नाम जॉन मेनार्ड है केंस, केंस, इसको केंस के नाम से ही लोग जानते हैं इसका जो सेकंड नेम है इसकी और एडम स्मिथ की थोड़ी सी जो बीच में कॉन्फ्लिक्स आर देयर इसको हम डिस्कस करते हैं केन्स आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन वॉज ने बिकॉज देयर इज अस मैच बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड विच इनिवेटेबलीड्क्शन ऑफ सप्लाई ये कहता है जी बात यह है कि किस तरह एडम स्मिथ कहता है कि गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं है या गवर्नमेंट को इंटरवीन ही नहीं करना चाहिए या गवर्नमेंट को मुदाखलत ही नहीं करनी चाहिए किसी भी कारोबार में वो ये कहता है कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई का मामला है और जहां पर सप्लाई जो है कम है और डिमांड ज्यादा है वहां जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी चीजों को उस वक्त तक मामलात हल नहीं होंगे बिल्कुल इसी तरह जो मैंने आपको अभी मिसाल दी ये फर्ज किया एक चीज की जो डिमांड है वो बढ़ गई है किसी खुदा न खास्ता एपिडेमिक की वजह से एक दवाई की डिमांड बढ़ गई है और जो अगर फर्ज वहाद उसको बेच रहा है उसके पास सप्लाई उसकी जो है वो मौजूद है और वो उसको रोक के अगर हाई प्रॉफिट जो है वो अर्न करता है तो अंटल एनलिस स्टेट जो है उसमें इंटरवीन नहीं करती तो दैट इज अ वेरी बैड थिंग That is against the interest of a lot of people. So, here we have say that, say that intervention of government is always on a negative side. It has certain applications, certain implications, which are very important as certain situational people. Secondly, governments, according to Keynes, can influence the propensity to save, which lowers aggregate demand. एंड करिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट फिर ये है कि हकूमतें सूद का जो निज़ाम है इंटरेस्ट रेट हुकूमतें जो हैं वो राज करती हैं हकूमतें हैं डिमांड में जो है मार्केट के अंदर पैसा जो है वो फेंकती हैं हकूतों के पास ही रिजर्व होते हैं जैसे सेंट्रल बैंक्स होते हैं लोगों के तो ये कहता है कि हुकूमत अगर ये चाहती है कि मार्किट के अंदर जो है वो जो एक जो, जो, जो सप्लाई है पैसे की उसके ऊपर या इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर उसका टोटली कंट्रोल है अगर वो इंटरवीन नहीं करती तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर खुद ब खुद एक चीज जो है वो शुरू हो जाएगी चलनी और उससे इस किस्म की चीजें जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी है वो बढ़ जाएगी इन चीजों को सर्टन जो मोनिटरी चीजें हैं जैसे इंटरेस्ट रेट है या पैसे का हसूल है या पैसे की मार्केट में जो सप्लाई है वो अगर हु कंट्रोल नहीं करती तो फिर इस किस्म की चीजें अकॉर्डिंग टू केन्स जो आ, रोज बेरोजगारी और उसमें इजाफा वगैरह जो है वो दैट इज देयर फिर वो कहता है कि गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट एक्सेस सेविंग थ्रू इट्स इंफ्लुएंस ऑन इंटरेस्ट रेट्स एंड इट कैन इन्फ्लुंस इंटरेस्ट रेट्स बाई रेगुलेटिंग द मनी सुप्लाई द हायर दनी द लोअर द रेट एट विच इट इज लेंट बात यह है के, वो ये कहता है कि हुकूमत जो है आ, वो एक चीज़ को बड़ी सीधे तरीके से कंट्रोल कर सकती है कि अगर गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है बैंकों के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम कर देती है तो जाहिर है लोग बैंकों में पैसे नहीं रखेंगे और कारोबार के अंदर उसको इन्वेस्ट करेंगे जब हुकूमत अपने रेट बैंक के अंदर सेविंग्स रेट बढ़ा देगी तो लोग दुकान या दुकानदारी से या कारोबार से या इंडस्ट्री से पैसा निकाल के उस फिक्स इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट के खजाने में रखना शुरू कर देंगे और उससे यह होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं किसी कंट्री के अंदर वो खत्म हो जाएंगी आप मेरी बात को मैं फिर करता हूं कि अगर आपकी हकूमत ने या किसी भी हकूमत ने अकॉर्डिंग टू केन्स किसी चीज के ऊपर इंटरेस्ट जो कि वो रेगुलेट करती है अब उसके हाथ में है कि उसको किस तरह से रेगुलेट करती है अगर तो इंटरेस्ट रेट लोअर करती है तो लोग कहेंगे जी वाई शुड वी इन्वेस्ट मनी ऑन ए लोअर रेटेड टू बैंक दे व इन्ट इन टू इंडस्ट्री इंटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और अगर हुत है वो इंटरेस्ट बैंक का बढ़ा देती है तो लोग कहेंगे जी हम वाई शुड बी टेक रिस्क इन इन्वेस्टिंग इंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीजिट इन टू बैंक तो आपकी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं वो जो है कम हो जाएंगी और जो आपकी तरक्की है वो स्टेग्नेट हो जाएगी रुक जाएगी इसलिए इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिर ये कहता है सेकेंड गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली इफेक्ट दी अमाउंट ऑफ मनी हाउस होल्ड है लोअरिंग टैक्सेस फिर जो हमारे तरक्याती मनसूबा जात होते हैं या हमारे जो जो दूसरे काम होते हैं उसके लिए जाहिर है गवर्नमेंट डिपेंड करती है टैक्स पे तो हाउस होल्ड की जो इनकम है या जो आम घरेलू आमदनी है उसको हकूमत घड़ा बढ़ा सकती है इसलिए अगर वह टैक्स ज्यादा कर देते हैं तो जाहिर है आपकी आमदनी कम हो जाएगी अगर हकूमत टैक्स कम कर देगी तो आपकी जो बचत है वह ज्यादा हो जाएगी लेकिन जाहिर है ये जो टैक्स हैं ये गवर्नमेंट लगाती है तो अगर इसीलिए लगाती है कि सोशल सिक्योरिटी लोगों को फ़राम की जाए और लोगों के लिए सड़कें पानी ये और चीज़ें सारी चीज़ें जो सहूलतें सेहत ये मैसर आ सके उनको इसलिए यहाँ पे जो اعتراض है यानी कनेशियन स्कूल ऑफ थाट का वो यह है कि आप जब हकूमत को ये भी اختیار حاصل है कि लोगों की हाउस होल्ड की इनकम जो है वह कम या ज़्यादा करें दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी Imposition of higher tax or lower tax. So, here, uh, I mean, he is totally against this concept that uh, there is no intervention of government, as said by Adam Smith. Third jo uska argument is the government. Spending can close any gap between aggregate demand and aggregate supply by taking up the slack in demand from household and business. Keynes' argument became less convincing after the

जो इकतदी तारीख में आया उसमें मेजर पोर्शन जो है वो कहते हैं इंटरवेंशन का था तो एक जो धजका कनेशियन स्कूल ऑफ था को लगा वो ये भी लगा कि 1970 के इकतदी बहरान ने ये साबित कर दिया कि जी जहां पर कनेशियंस ये कहते हैं कि हकूमत की जो डिमांड है हकुमत की सॉरी जो इंटरवेंशन है इन टू इकोनमी इज वेरी वेरी हेल्दी नाइनटी के रिसेशन का बाईस ही हकूमत की इंटरवेंशन थी यहदा बात है कि बाद में आने वाले उन्हीं लोगों ने जिन्होंने कनेशियन स्कूल ऑफ थॉट को अपने अंदर बरकरार रखा और उसी पर रिसर्च करते रहे इस बात को साबित कर दिया कि ओके देवर सो मैनी अदर फैक्टर्स एंड दे लॉट इन फेवर ऑफ कनेशियन स्कूल ऑफ थाट लेकिन यह बात एक बहुत बड़ा धचका था केंस के स्कूल ऑफ थाट के लिए नाइनटी का जो इकतदी बहरान है दैट वॉज बिकॉज ऑफ गवमेंट ऑफ अमेरिका इन टू दनी मार्केट इसलिए इसमें एक जो शॉक लगता है कनेशियन मॉडल को वो नाइनटीन सेवेंटी में इकतदी बहरान उसके बायस के बाद लगता है लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की कि बाद में जो इसी स्कूल ऑफ थाट के लोग थे उन्होंने उसको खासा सपोर्ट किया फिर हमारे पास एक जो मॉडल आ जाता है वो आ, अगर आपको एक नाम याद हो तो डावन का नाम है डावन का नाम जेनेटिक्स के अंदर एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसके अंदर स्पेशली बायोलॉजी के अंदर लिया जाता है और ये एक साइंटिस्ट था जिसने एवोल्यूशन के ऊपर यानी इंसानी नस्ल और दूसरी जो नस्लें हैं उनकी एवोल्यूशन के ऊपर उनके मराले हैं जो मुख्तलिस किस तरह से बतदरीज मराल में उनमें तब्दीलियां आई उस पर बड़ा काम किया चार्ज डावन का नाम जो है वह सबसे ज्यादा हमें जो एवोल्यूशन है इंसानी और हैवानी या जानदार लोगों का कि दुनिया में उसने कहा कि इन्वामेंटल चेंजस जो जो आती गई उनके मुताबिक इंसान और हैवान जो हैं वो अपने आप को चेंज करते गए और ये चेंज खुद नहीं कुदरती मरल के तहत थी यानी जैसे वो एक तस्वर पेश करता है कि डायनोसार्स थे बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जानवर थे और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होते होते बिकॉज जो एक क्लाइमेटिक कंडीशन थी उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया एनवामेंट ने एकोलॉजी ने स्पोर्ट नहीं किया तो वो एवोल्यूशनरी स्टेजेस आके एक बहुत छोटे छोटे जानवरों में तब्दील होगी तो बेसिकली यहाँ पे डॉवे की जो थ्योरी है उसको भी इकतियात में डाला गया है किस तरह से मैं अर्ज करता हूँ व्यूज जो लोग डॉवन को मॉडल uh, को फॉलो करते हैं दे आर द डॉनमिस्ट सोशल डोनोमिटेरियन जस्टिफिकेशन फॉर फ्री मार्केट जो लोग डावन uh, के स्कूल ऑफ था डार्म का स्कूल ऑफ था वे मैं आपको अर्ज कर दूँ डारमन का स्कूल थाट ये है कि दुनिया के अंदर एवोल्यूशन यानी चेंज का जो अमल है ये हर वक्त हो रहा है और ये चेंज का अमल जो है ये हो रहा है हमारी इन्वामेंट एक्लोजी हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके मुताबिक और हमारे यहाँ जो एक गैर महसूस तरीके के साथ हमारे अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस इन्वायमेंट में आ रही हैं यानी जितनी पोल्यूशन बढ़ रही है उसके हिसाब से इंसान के जो फेफड़े हैं वो इतने ज्यादा रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं जितना ज्यादा काम जो है वो कहता है कि दिमागी काम बढ़ रहा है हमारी बॉडी जो है उस हिसाब से छोटी होती जा रही है और ब्रेन का जो साइज है वह बढ़ता जा रहा है उसकी ये रीजन है कि तो बहुत अरसे के बाद जब उन्होंने एवोल्यूशनरी स्टेज को देखा उन्होंने देखा कि जो ब्रेन के अंदर एक लॉन्ग जो एक बड़ी अरसे गुजरने के बाद जो एवोल्यूशन देखा तो उन्हें कहा जी चूंकि चेंज आ गई है फिजिकल वर्क से ज्यादा जो मेंटल वर्क है वो बढ़ गया तो हमारे यहाँ जो एवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं मोर ऑन दी फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन यहां पे वो बात करते हैं ये इसकी थ्योरी है कि फिटेस्ट की सर्वाइवल यानी इन्वॉर्मेंट जो है उसमें जो फिट होगा जो सबसे ज्यादा सरवाइव कर सकेगा वो जिंदा रहेगा सोशल डोवेज डिफर टेक ऑन दूनिटेर जस्टिफिकेशन फॉर फ्री मार्केट सरवाइवल फिटेस्ट मीन्सर ऑफ द बेस्ट दुनिया में वही लोग सरवाइव करेंगे वही मार्केट के अंदर सर्वाइव करेगा जो फिट होगा सबसे ज्यादा यानी अगर एक आ, आप बात करते हैं इसको हम अगर डॉर्मियन के हिसाब से तो यह कि अगर एक एक्लोजी है उसमें हालात अच्छे नहीं है तो सिर्फ वही जिंदा रह जाएगा जो उन हालात में सर्वाइव करने की ताकत रखता है यही वो अकतियात में भी वही लोग मार्किट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और मार्किट के मुताबिक जो है अपने अंदर एवोलूशनरी स्टेजेस लाके अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते हैं गुड दी विच मॉडर्न द एम्प्लॉज ऑफकोर्स डेट वट एवर हैचुर इज ऑलवेज फॉर द बेस्ट लेकिन इसको जो गलत साबित करते हैं डायबेनिस का जो नजरिया है कि जी आ, सर्वाइवल सिर्फ उसी की है जो कि टफेस्ट है और बेस्ट है सिर्फ वो सर्वाइव कर सकता है लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थाट है ये कहता है कि इस तरह से नहीं है ये एक पॉलिसी है ये एक गलत बात है कुदरत हमेशा जब भी कोई काम करती है वो बेहतरी और आदमी के वसी तर मफादात में करती है और कुदरत के जो भी इकदाम होते हैं नेचर के वो सारे के सारे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मैन काइंड होते हैं इसलिए अगर ये कहना कि इट एज दी सर्वाइवल ऑफ़ द बेस्ट तो फिर उस तरह से तो जिंदगी पूरी दुनिया में सवाए चंद लोगों को या चंद ममालिको किसी को जिंदा रहने की जो है वह मतलब ताकत ही नहीं होनी चाहिए बेसिकली दुनिया के अंदर जो ये सारी अल्लाह त निज़ाम चल रहा है जी कहते हैं कि जो इसके क्रिटिक्स कहते हैं कि नहीं देट इज फॉर बेटरमेंट ऑफ जो मैन uh, काइंड है उसके लिए आप उसको अगर करेंगे वो कहते हैं लॉन्ग टर्म में तो आपको हमेशा से उसमें बेटरमेंट नजर आएगी कोई ऐसी बुरी चीज नजर नहीं आएगी फ्री ट्रेड एंड यूटिलिटी इसमें डेविड रिकार्डो जी का अगला नाम आता है वेरी फेमस पर्सन एड उस मेजर वर्क देल्थ ऑफ द नेशन इन फैक्ट वॉस पर एम्ड एट शोइंग बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक लिखी गई थी बेसिकली इसका जो मकसद था वो ये था कि आप फ्री ट्रेड के फायद से लोगों को आगाह किया जाए There he wrote, ये लिखता है इट इज द मैक्सिम एवरी प्रूडेंट मास्टर टेलर डिज नॉट मेक हिज ओन शूज बट बाय फ्रॉम द शू मेकर एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन में ये लिखता है कि किसी भी घर के सरबराह को ये नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ वो बाज़ार से खरीद सकता है सस्ती उसको घर में महंगा बनाए मसल आप अगर बाजार से एक बॉल पेंट खरीदने जाते हैं तो मे बी आपको पाँच या दस रुपये का मिल जाए आप उसको खुद घर बनाएं तो हो सकता है कि आप लाख रुपये लगा के भी आप उसको ना बना सकें इसी तरह वो कहता है अपने ज़माने के लिहाज से बात करता है कि दर्जी जो है वो कपड़े तो ज़रूर सीता है लेकिन यह नहीं है कि हो सकता है दर्जी अपने कपड़े खुद सी दे लेकिन यह नहीं होगा कि वह अपना जूता खुद बनाए जूता उसके लिए बेहतर है कि वह बाजार से खरीदे क्योंकि वह बना नहीं सकेगा और उसको इसलिए नहीं बना सकेगा कि उसको वो बहुत महंगा पड़ेगा लिहाजा दुनिया के अंदर कुछ जो मुल्क हैं कुछ जो लोग हैं उनके पास स्पेशलिटी है मैनुफेक्चरिंग की उनके पास सर्टन फेसिलिटीज हैं जो उनको सस्ती चीज बनाने के लिए मैसर है तो हमें उनपे करना चाहिए वट इजेंस इज द कंडक्ट ऑफ एवरी फैमिली कैन सप्लाई कमोडिटी चीपर देन आर सेल्फ कैन मेक इट बेटर बाइट ऑफ दैम विद सम्यूस आवर ओन इंडस्ट्री इंप्लायड इन अ वे इन विच वी है कि फैमिली की यही मिसाल आपको अगर थोड़ा सा इसको बड़े नजरिए से देखें तो देन यू थिंक अबाउट द कंट्रीज जिस तरह आप घर में एक बॉल पैंट बना सकते दर्जी अपने घर में जूता नहीं बना सकता हम बाजार से खरीदते हैं चीजें घर में हमें महंगी पड़ती हैं खुद बनानी इसी तरह ममालिक के अंदर भी यही बात लागू होती है जिस मुल्क के अंदर एक चीज सस्ती है दूसरे मुल्क को चाहिए कि अगर उसके यहाँ वो चीज़ महंगी है तो अपने यहाँ बनाने की बजाय उससे वो खरीद लें मसल अगर अमेरिका में टेक्सटाइल महंगी है और पाकिस्तान में टेक्सटाइल सस्ती है और अमेरिका ने कमीज बनाने के लिए पचास डॉलर खर्चते हैं और वही कमीज़ उन्हें पाकिस्तान से दस डॉलर में मिल जाती है तो उनको ये नहीं चाहिए कि वो फोर्टी डॉलर एक्स्ट्रा खर्च करें उनको ये चाहिए कि वो पाकिस्तान से दस डॉलर में वो कमीज दे दें और यही दुनिया में फ्री ट्रेड में आजकल हो रहा है डब्ल्यू का जो मकसद है उसका बेस ये मॉडल है जो आज हम डिस्कस करें एडम स्मिथ का कि जो आपको चीज़ जहां से सस्ती मिलती है उसको ले लें और उसके बदले जो चीज़ आपके यहां सस्ती है वो उसको दे दें यानी अगर हम अपनी टेक्सटाइल जो है वो सस्ती हम बनाते हैं और उसको दे रहे हैं और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो महंगी है तो हम उसकी तरह जो बाहर जहाँ पे टेक्नोलॉजी सस्ती है वहां से हम टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंपोर्ट कर लें हर एक मुल्क अपनी अपनी जो महंगी चीज़ है उसको बनाने की बजाय सस्ती चीज़ दे दे और जो बाहर चीज़ सस्ती है उसको अपने यहाँ ले आए Then Adam Smith's point there is simple: like individuals, countries differ in their ability to produce goods. One country can produce a good more cheaply than other and it's said to have an absolute advantage in producing that good. These cost differences may be based on differences in labor, cost and skills, climate, technology, equipment, land or natural sources. a simple. बाद ममालिक को ये एडवांटेज हासिल होता है मे बी लेबर की वजह से नेचुरल रिसोर्स की वजह से टेक्नोलॉजी के हसूल की वजह से उनके लोकेशन की वजह से कि वो कुछ चीजें सस्ती बनाएं इस चीज को उसने एप्सलूट एडवांटेज का नाम दिया है यानी एक हतमी जिसको एक हम कह सकते हैं कि उसको एडवांटेज या उसको एक जो है या एक फायदा उसको जो मिलता है मसल एक मुल्क जो है अगर उसके यहाँ बहुत सारी लकड़ी पैदा होती है तो ज़ाहिर है उसकी वुडन प्रोडक्ट्स जो है वो चीप होंगी या एक मुल्क की अगर अगर बहुत ज़्यादा गन्ना पैदा होता है ज़ाहिर है वहाँ पर ये ज्यादा फायदा मंद है कि वो उसको शुगर में कन्वर्ट करे और चीनी के कारखाने लगाए इसी तरह अगर किसी मुल्क के अंदर टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा पैदा होती है तो बेहतर ये होता है कि वो उसी के तो यहाँ पे जो बात एडम स्मिथ कह रहा है वो ये है कि हर मुल्क के अंदर एक ख़ास किस्म की उसको अल्लाह ताला ने नेचुरल कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो उसकी प्रोडक्शन को सस्ता करती हैं जैसे अगर एक मुल्क में लकड़ी सस्ती है तो उसका मतलब है वहाँ लकड़ी बहुत पैदा होती है अगर एक मुल्क में जो है चावल सस्ते हैं तो उसका मतलब वहाँ चावल बहुत ज्यादा पैदा होते हैं तो बजाय इसके कि वो उसको पास रखें तो उनको चाहिए उन ममालिक वो चावल भेज दें जहां पर चावल महंगे हैं और जो चीजें उनके यहां महंगी हैं मसल अगर कोरिया में चावल ज्यादा पैदा होते हैं तो कोरिया को चाहिए कि जनाब बजाय इसके कि वो अपनी लैंड को राइस कल्टिवेशन के लिए यूज़ करे तो अगर उसको सस्ते चावल जो हैं वो चाइना से या थाईलैंड से मिल जाते हैं तो वहां से खरीद ले और लैंड को किसी और अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर ले क्योंकि कोरिया के पास वह एब्सलूट एडवाटेज शायद ना हो चावल का जो चाइना के पास है इस तरह अगर ब्राजीलियन जो है वह गन्ना पैदा करते हैं तो उसके साथ वो शुगर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री उनके पास है तो उनको नेचरल एडवांटेज हासिल है गन्ने की पैदावार के लिए कि क्लाइमेट बहुत अच्छी है और अगर पाकिस्तान कॉटन ज्यादा पैदा करता है तो हमें एक नेचुरली या स्वीटरस हम ज्यादा पैदा करते हैं तो हमारी नेचुरल क्लाइमेट है जो उसको फेवर करती है तो और मुल्क जिनमें ये चीजें महंगी हैं उन्हें चाहिए कि बजाय इसके कि वो वो खुद पैदा करें मसल अगर आप ऑरेंज को पैदा करने की कोशिश करेंगे किसी ग्रीन हाउस में आ, किसी ठंडे मुल्क के अंदर तो वहां पर पैदा नहीं होगा तो बेहतर है वो पाकिस्तान से मंगवा लें और हमें जो चीज़ें जरूरत है हम उनसे ले लें तो इस तरह से इंटरडिपेंडेंसी जो है ये बड़ी ज़रूरी है और दुनिया में इसी तरह से फ्री इकोनमी जो चलती है कि जहाँ पे आपके पास बहतात है और वहाँ पे जो मैंने गुजारिश की कि जिन ममालिक में ये फैसिलिटी होती है उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है यानी एक ना एक टेक्नोलॉजी में या रिसोर्स में या लोकेशन में कुछ ना कुछ उनके पास जरूर ऐसी चीज होती है जो उनको हतमी फ़ायदा देती है इस प्रोडक्शन के सिलसिले में देन एप्सोलूट एडवाटेज इन प्रोड्यूसिंग ये प्रोडक्शन के लिए इसमें क्या फैसिलिटी है It was Ricardo's uh, genius to realize that both countries could benefit from specialization and trade ever, though one can make everything more cheaply than the other, specialization increases the total output of goods countries produce and through trade all countries can share in their added bounty. Baat hai, ki pe is addition ki, usne Ricardo जनाब ये दो ममालिक चार मालिक या दस ममालिकालिक अपनी स्पेशलाइजेशन को देखें कि वो क्या चीज अच्छी बनाते हैं मसल फ्रांस में अंगूर बहुत पैदा होता है इंग्लैंड में हम कहते हैं पोटैटो बहुत पैदा होता है पाकिस्तान में कॉटन बहुत पैदा होती है इसी के अंदर स्पेशलाइज करें कई मुल्क हैं उनमें चावल बहुत पैदा होता है वो उसके अंदर स्पेशलाइज करें कई ममालिकको बड़ी पैदा होती है जैसे गहना है दूसरे ममालिक वो उनके अंदर स्पेशलाइजेशन करें और बजाय इसके कि वो अपने मुल्क में दूसरी अशया उगा के उनका तजर्बे करें या दूसरी अशा बना के अगर इंडस्ट्रियल ये फैक्टर है तजर्बे करें तो ये बेहतर है कि एक दूसरे से लेन देन करके एक दूसरे से गिव एंड टेक करके उनकी तजारत कर लें बजाय इसके कि एक्सपेंसिव चीज़ें बनाए मस अगर हम कॉटन बनाते हैं और एक दूसरा मुल्क जो है वह कॉफ़ी जो है पैदा करता है अब हमारे यहाँ अगर हम ये कोशिश करें कि हम कॉफ़ी के दरख्त यहाँ लगाएं और कॉफी पैदा करें तो बड़ा मुश्किल सा काम है बिकॉज हमारी जो लोकल कंडीशन है एग्रीकल्चर की या हमारी जो वेदर कंडीशन है वो काफी को सपोर्ट नहीं करती काफी की जो कल्टिवेशन है कॉटन को सपोर्ट करती है तो वी शुड गेट आर स्पेशलाइजेशन टू कॉटन जब हमें कॉफी की जरूरत होगी हमारे पास चूंकि फालतू कॉटन होगी हम उस मुल्क को कॉटन दे के या कॉटन को इंटरनेशनल मार्केट में बेच के पैसा लेके कॉफी खरीद सकते हैं बजाय इसके कि हम एक महंगा और एक एक्सपेंसिव तजर्बा करके कॉफी को अपने यहाँ पैदा करने की कोशिश करें इस बैटर के जहाँ पे वो अवेलेबल है जिस मुल्क की वो स्पेशलाइजेशन है असल ब्राज़ीलियन कॉफ़ी बड़ी दुनिया में ज़्यादा मशहूर है कि क्योंकि ब्राज़ील में कॉफी इसलिए कि वहाँ की लोकल कंडीशन उसको सूट करती है उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी के पौधे के लिए अगर हम यही बात या क्यूबा में हम कहते हैं जी के सर्टन थिंग्स हैं टोबैको है जैसे वर्जीनिया है बहुत मशहूर है हम कहते हैं अब बात यह है कि हर एक मुल्क की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है जो उसने गेन की है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन हम उसको डिस्टर्ब ना करें हम उस स्पेशलिटी को और बढ़ाएं और उस मुल्क को ये एबसलूट एडवांटेज दें कि अपनी स्पेशलिटी को जो है वो बढ़ाता जाए फायदा उसका यह होगा कि हतमी तौर पर जो एक चीज आपके आप उसमें स्पेशलाइज कर जाएंगे और फिर आप अपनी प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर उसको वाटर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो आप चीजें आपके पास नहीं है आप यू कैन ऑलवेज बाय दैट जरूरी नहीं कि आप अपने यहाँ उसकी जो है पैदावार को बढ़ाएं अपने यहाँ उसके तजर्बे करें जैसे मैंने कॉफी क्लियर किया हमें कॉफी पैदा करने की जरूरत नहीं है वी शुड बी मोर कंसर्न अबाउट आर थिंग्स एंड वी कैन बाय फ्राम एनी वे बिकॉज कॉटन वी कैन सेल इट एंड बाय वी कैन कॉफी कोको जो मर्जी हम चाय कर सकते हैं सो so, There's no need to uh, grow cocoa or coffee here in Pakistan. Then, Ricardo or globalization, that Ricardo Ricardo Ricardo's ingenious argument has been hailed as the single most important and most meaningful economic discovery ever made. Some have said it is the most surprising and most important concept in economics. It is without a doubt द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड थ्यूरी विच इज़ गिविंग रू ग्लोबलाइजेशन दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा सबसे कार आमद सबसे फ़ायदा मंद जो वर्क किया रिकॉर्डों ने और जिसकी बुनियाद रखी जो मैं समझता हूँ या जो दुनिया समझती है या आल स्कूल ऑफ थाट्स चाहे वह बिजनेस के हैं इकनिक्स के हैं जिस पर मुतफ़ होते हैं वो ये कि रिकॉर्डों की थ्यूरीज ने एक ऐसी चीज़ को जन्म दिया जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं यानी तमाम दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट जहाँ पे जोग्राफिकल बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं फाइनेशियल बाउंड्रीजिस्ट नहीं करती और जिस मुल्क के पास जो चीज़ सस्ती है वो उस मुल्क में जाके बेचने के लिए फ्री है जहाँ पे वो चीज़ महंगी है और इस तरह उसको जहाँ से कोई चीज़ सस्ती मिलती है जो उसके यहाँ महंगी है वो वहाँ से खरीद दे ये इंटरस्पोर्टिव बिहेवियर पूरी दुनिया के अंदर बेसिकली जिस थ्यूरी पर काम कर रहा है वो थ्यूरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन है जो आज हम डब्ल्यू के साथ देखते हैं और इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो रिकार्डो की है स्टूडेंट्स हमने आज भी फिलोसफीज पढ़ी रिकार्डो की हमारे पास सिर्फ एक फिलॉसफी जो है वो और है जिसको हमें डिस्कस करना है बेसिकली बेसिकलीस्काल मार्क्स फिलासफी और देन आई विल बी है बेसिक कंसेप्शन ऑफ वट हमारी बहस ख़त्म कहाँ पे होती है और फिर हमने इसको रिलेट करना बिजनेस एथिक्स के साथ उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए किसी न किसी तरीके से बायस मुनफ्त साबित हुआ होगा आ, कोशिश कीजिए जो क्रू टर्मोनोलॉजी है उसको फ़ौरी तौर पर डिक्शनरी में देख लिया करें जहरा अल्फाज अपना ज़रूर बढ़ाया करें कोशिश करें कि जब लेक्चर सुनें तो फ्रेशली उसको लिख लिया करें अपने अलफाज में इस दुआ के साथ खुदा तला आपके इलमें इजाफा करे और आपको ये तफीक दे अपना और खसूस अपने वाले का ख्याल रखें